हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन 6 और 7 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे आकलन 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा है, जिसे रीड करना है अच्छे से, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियां, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएं। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। यह सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारी क्रमिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतघ्न हो जाएंगे। कृतघ्न यानी उपकार नहीं मानना, जिसका अपोजिट होता है कृतज्ञ, आज्ञा का पालन करने उपकार मानना कहलाएंगे। साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो क्वेश्चन है, हमारा ऐतिहासिक गौरव है सांस्कृतिक धरोहर। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे प्रसिद्ध। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से, कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति धन एक से, जिसमें एक प्रत्यय लग करके से आ में बदल जाता है और तय में छोटी की मात्रा लग जाती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं वो लिखना है। स्मारक, महल, बावड़ियां, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोक नृत्य, संगीत व कलाएं आदि हमारी सांस्कृतिक विरासत में हैं। सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है। सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती है, अर्थात ये हमारे समाज की जड़ें हैं। हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है। सांस्कृतिक धरोहर हमारे क्रमिक विकास को बयां करता है। नीचे लिखे विराम चिन्हों को पहचानना है, उनके नाम लिखने और वाक्य में प्रयोग करने हैं उनका। जैसे ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, क्या कल तुम स्कूल जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है ये कॉमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह होता है अल्प विराम। तनु अल्प विराम, सीमा अल्प विराम, आलिया साथ खेल रही हैं। ये है विस्मयाबोधक चिन्ह, अरे वाह तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाए। जब हम किसी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं किसी से, तब इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना था और लिखना था। इनके बारे में लिखिए, अध्यापक, अध्यापक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कुम्हार मिट्टी से घड़े, बर्तन, सुराही आदि बनाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो कि अनेकार्थक शब्द है। जैसे आम एक फल भी होता है, एक साधारण व्यक्ति भी होता है। हल समाधान भी होता है, कृषि का औजार भी होता है। तो जैसे आम से फल से हो जाएगा आम फलों का राजा है, और साधारण से हो जाएगा पुष्पेंद्र एक आम आदमी है, वह कच्ची बस्ती में रहता है। समाधान से हो जाएगा हल का जो अर्थ होता है समाधान, उससे हो जाएगा सीमा ने इस सवाल को हल कर लिया है। कृषि का औजार, किसान ट्रैक्टर द्वारा खेत में हल चला रहा है। तो ये डर होता है आकलन 6। अब देखेंगे आकलन 7, जिसमें है एक कहानी जिसे पढ़ना है, रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेलकूद में हमेशा अव्वल रहता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह आशु भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए। उसका मित्र सुनील कहता है, हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ तो कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं गणपति की तरह। तो खुश मिजाज का अर्थ होता है प्रसन्नचित। मित्र का सही समानार्थी शब्द है सखा। आशु भाषण पद में विशेषण है, भाषण की विशेषता की वो आशु है, तो आशु का यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गणपत की विशेषताएं थी खुशमिजाज और बुद्धिमान, तो आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस कहानी में आई संज्ञा सर्वनाम पद लिखिए। जैसे संज्ञा है गणपत नाम, छात्र नाम, विद्यालय, लोक, खेलकूद, स्वर्ण पदक, आशु भाषण, ये सभी नाम हैं किसी न किसी कक्षा नायक, मित्र, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, तो ये सभी विषय है ना। तो ये है आपकी संज्ञा शब्द और सर्वनाम, उसे, वह, उसके, उसकी, हम, ये सभी जो संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज़ आए हैं वो होते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या सोचते, लिखिए। हम गणपत की तरह खुश रहने व कक्षा में अव्वल आने के विषय में सोचते, उसकी अच्छी सोच समझ व अच्छी आदतों के बारे में सोचते।
गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया? उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बनाया गया। जैसे खट्टा से खटाई, वैसे लड़ना से क्या बन जाएगा? लड़ाई। कक्षा नायक की विग्रह, कक्षा का नायक जो है तो स्वर्ण पदक का होगा, स्वर्ण का पदक, सोने का पदक, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये डन होता है आकलन सात। तो यहाँ हमने देखा आकलन सात और छः के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियोज़ देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।